दोस्तों, लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल की। फिलहाल तो हम ग्राउंड टू ग्राउंड पढ़ के आए हैं भाई। तो अगर आपने नहीं देखा है तो पहले वो देख लीजिए, बाद में ये देखिए। आज हमें देखना है प्रोजेक्टाइल फ्रॉम हाइट, मतलब कि किसी हाइट पे से अगर आप बॉडी को प्रोजेक्टाइल करा रहे हो तो नीचे पहुंचने में टाइम कितना लगेगा, नीचे पहुंचते पहुंचते वेलोसिटी क्या होगी और रेंज क्या होगी, ये हमें पता लगाना है। चलिए, तो वैसे तो भाई अगर आप किसी हाइट पे से हो तो प्रोजेक्टाइल जनरली तीन तरह से आप कर पाओगे। पहला तो आप इसे हॉरिजॉन्टली किसी बॉडी को थ्रो कर दो, दूसरा आप हॉरिजॉन्टली नहीं अपवर्ड डायरेक्शन में किसी बॉडी को थ्रो कर रहे हो, और तीसरा डाउनवर्ड डायरेक्शन में थ्रो कर रहे हो। जनरली प्रोजेक्टाइल यहां तीन तरह से हो सकता है, लेकिन आज हम बात करने वाले हैं सिर्फ हॉरिजॉन्टल पे। अब आप अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो कर रहे हो या फिर डाउनवर्ड डायरेक्शन में थ्रो कर रहे हो, इसकी बात तो भाई हम अगले वीडियो में कर लेंगे। चलिए, फिलहाल तो ये देख लीजिए प्रोजेक्टाइल फ्रॉम हाइट, मतलब आप हॉरिजॉन्टली थ्रो कर रहे हो तो क्या होगा। अगर आप ध्यान से देखो तो आपको पता चलेगा कि भाई हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी पे ग्रेविटी की तो कोई इफेक्ट होगी नहीं, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में भी बात की थी। ग्रेविटी की इफेक्ट सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल वेलोसिटी पे ही होगी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी पे ग्रेविटी की कोई इफेक्ट नहीं होगी। जैसे आप ये बात तो जानते ही हो, अगर आप हॉरिजॉन्टली थ्रो कर रहे हो तो ये ऐसे नीचे गिरेगा। अब क्यों भाई ऐसे नीचे क्यों आया? क्योंकि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जैसे पहले आगे बढ़ रही थी, अभी भी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी वैसे ही आगे बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि भाई उस पे तो ग्रेविटी की कोई इफेक्ट हो ही नहीं रही है, लेकिन वर्टिकल वेलोसिटी पहले 10 होगी, फिर ये बढ़ते बढ़ते 20 हो जाएगी, फिर बढ़ते बढ़ते 30 हो जाएगी, फिर बढ़ते बढ़ते 40 हो जाएगी, फिर बढ़ते बढ़ते 50 हो जाएगी, लेकिन हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो बिल्कुल जैसे पहले थी अभी भी वैसे ही रहेगी, क्योंकि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी पे ग्रेविटी की कोई इफेक्ट नहीं हो रही है और वर्टिकल वेलोसिटी टाइम के साथ इंक्रीज होती जाएगी। तो क्या मैं यहाँ ये बात भी कह सकता हूँ कि पहले सिर्फ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी, फिर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, फिर हॉरिजॉन्टल और फिर वर्टिकल बढ़ती गई, फिर बढ़ती गई, फिर वर्टिकल बढ़ती गई, तो जो वेक्टर बड़ा होगा क्या रिजल्टेंट उसके पास आएगा? जैसे पहले हमारे पास तो सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ही थी, वर्टिकल पहले पहली सेकंड में ये थोड़ी बढ़ी, फिर वर्टिकल और बढ़ गई, हॉरिजॉन्टल जैसे थी वैसे ही रही, फिर हॉरिजॉन्टल जैसे थी वैसे ही रही लेकिन वर्टिकल और बढ़ गई, फिर हॉरिजॉन्टल जैसे थी वैसे ही रही वर्टिकल और भी बढ़ गई। पहले हमारा नेट रिजल्टेंट कुछ ऐसे आएगा, फिर थोड़ा ऐसे जाएगा, रिजल्टेंट बड़े वेक्टर के पास होगा अगर दोनों सेम है तो बीच में होगा, अदरवाइज जो बड़ा है रिजल्टेंट उसके पास होगा। ये तो आपको पता ही है, जैसे शुरू शुरू में हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी बड़ी होगी, लेकिन जैसे जैसे ये नीचे जाएगा क्या वर्टिकल वेलोसिटी बढ़ती जाएगी? क्या वर्टिकल वेलोसिटी बढ़ती जाएगी? तो क्या नेट रिजल्टेंट वेक्टर बड़े वेक्टर के पास होना चाहिए? क्यों? क्योंकि बड़ा वेक्टर भाई इन रिजल्टेंट को अपनी ओर खींच लेगा, क्योंकि भाई वो बड़ा है। चलिए, अगर आप इन सभी वेलोसिटी का रिजल्टेंट ले लो, सभी को जोड़ दो, तो क्या पाथ कुछ ऐसा होना चाहिए? जी हाँ, सही सुना दोस्तों, पाथ बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। चलिए देख लेते हैं अब इसमें कैलकुलेशन कैसे करनी है। जैसे मान लो ये हाइट हमें दे रखी है कुछ 2000 मीटर, और आपने यहां से थ्रो कर लिया मान लीजिए 100 मीटर पर सेकंड से, तो पहले आप ये जान लो कि ये ग्रेविटी की वजह से नीचे आ रहा है, आगे ले जाने वाला कंपोनेंट तो सिर्फ 100 मीटर पर सेकंड है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमें दे रखी है। अब आपको सिर्फ और सिर्फ नीचे कब पहुंचेगा यही देखना है। अब यहां नीचे गिरने में तो शुरू शुरू में इसकी वर्टिकल वेलोसिटी कुछ थी ही नहीं, फिर वर्टिकल वेलोसिटी 10 होगी, फिर 20 होगी, फिर 30 होगी, फिर 40 होगी, मतलब सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल मोशन को देखा जाए। ध्यान से सुनना, अगर सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल मोशन को देखा जाए तो भाई ये वर्टिकल डायरेक्शन में तो ये फ्री फॉल कर रहा है,
हाँ, साथ साथ में ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी भी है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल को देखा जाए तो वर्टिकली पहले 0 थी, फिर 10 हुई, फिर 20, फिर 30, फिर 40। तो वर्टिकल डायरेक्शन में ही सिर्फ देखा जाए तो भाई ये तो फ्री फॉल कर रहा। फ्री फॉल एक्चुअल में हम किसे कहते थे? जो वर्टिकली डायरेक्शन में पहले वेलोसिटी 0 होगी, फिर बढ़ती जाएगी, फिर बढ़ती जाएगी, और वो भी बढ़ेगी सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी की वजह से। तो यहां भी अगर एक्चुअल में देखा जाए तो वर्टिकल वेलोसिटी तो सिर्फ ग्रेविटी की वजह से ही बढ़ रही है। जी हाँ, सही सुना। तो वर्टिकल डायरेक्शन में ये फ्री फॉल कर रहा है, ऐसा हम सोच सकते हैं, लेकिन हाँ, सिर्फ वर्टिकल मोशन को देखा जाए तो। और नीचे भी तो वर्टिकल मोशन है, वही तो नीचे ला रही है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो वैसे भी आगे ले जाने का काम कर रही है। तो मैं क्या करूंगा, यहां पे सिर्फ वर्टिकल मोशन को देखूंगा और फ्री फॉल के सारे फॉर्मूले यहां पे लगा दूंगा। अगर फ्री फॉल के सारे फॉर्मूला यहां लग गए तो क्या हाइट का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए? हाइट का फॉर्मूला क्या था? हाइट का फॉर्मूला था एच इक्वल टू 5t स्क्वेयर। फिर से मैं बता दूं, वर्टिकल डायरेक्शन में पहले वेलोसिटी थी 0, फिर बड़ी, फिर बढ़ती गई, हर सेकंड में 10 10 बढ़ती गई, तो नेचर तो भाई ग्रेविटी वाला ही होगा। अरे हाँ या ना? और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी सिर्फ आगे ले जा रही है। तो मतलब वर्टिकल डायरेक्शन देखा जाए तो हम फ्री फॉल के सारे फॉर्मूला यहां लगा सकते हैं। चलिए, एच इक्वल टू 5t स्क्वायर, यहां पे हाइट दे रखी थी कुछ 2000 बाई 5, 5 कर दूं, इन इक्वल टू टी स्क्वायर, वैसे ये हो जाएगा 400, और 400 का स्क्वायर रूट हो जाएगा कुछ 20। तो नीचे गिरने में इसे 20 सेकंड लगेगी। तो 20 सेकंड में ये सिर्फ नीचे पहुंचेगा, नीचे पहुंचते पहुंचते इसकी वेलोसिटी हो जाएगी v इक्वल टू 10t, हर सेकंड में 10 10 10 10 बढ़ती जाएगी। तो आफ्टर 20 सेकंड v इक्वल टू 10t के हिसाब से भी देखा जाए तो ये कुछ हो जाएगी 200 मीटर पर सेकंड। लेकिन हाँ, ये जो मैंने बात की ये सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल वेलोसिटी की ही बात हो रही थी। चलिए, तो यहां पे ये बॉडी का पाथ क्या कुछ ऐसा हो जाएगा? तो अगर मैं बिल्कुल वैसा ही पाथ यहां पे ड्रॉ कर लूं, वैसा ही पाथ अगर यहां पे ड्रॉ कर लूं, तो क्या मैं ये सोच सकता हूं कि इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो अभी भी 100 की 100 ही रहेगी, लेकिन यहां पे वर्टिकल वेलोसिटी हो जाएगी 200 मीटर पर सेकंड, और नीचे पहुंचते पहुंचते टाइम लग गया कुछ 20 सेकंड। तो नीचे पहुंचते पहुंचते इसके पास दो दो वेलोसिटी हो गई, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी अभी भी 100 थी और वर्टिकल वेलोसिटी हो गई 200। और यहां पे इसका नेट रिजल्टेंट आप ले लो, वो आ जाएगी आपकी नेट वेलोसिटी। अब हमें ये भी तो देखना है कि यहां से यहां रेंज कितनी होगी। चलिए, ये रेंज देखनी है। तो रेंज हम कैसे निकाले? तो रेंज मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हॉरिजॉन्टली आगे ले जाने का काम सिर्फ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का था। नीचे पहुंचने में कुछ 20 सेकंड लगी, और ये सभी टाइम में ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से आगे तो ले ही जा रही थी। तो अगर मुझे रेंज निकालनी है तो जैसे हम पहले निकालते थे अभी भी वैसे ही निकालेंगे। रेंज निकालनी है तो रेंज मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो भी थी और नीचे पहुंचने का टाइम जो भी था, उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि हम निकाल रहे हैं डिस्टेंस। डिस्टेंस इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। जैसे यहाँ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 100 और नीचे पहुंचने में टाइम लगा था कुछ 20, कुल मिला के ये हो जाएगा 2000 मीटर। मतलब हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ये 20 सेकंड तक हर सेकंड में 100 मीटर 100 मीटर 100 मीटर 100 मीटर ऐसा कर करके 20 सेकंड तक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी अगर इसे आगे खींचती गई तो नीचे पहुंचते पहुंचते रेंज हो जाएगी 200 मीटर। चलिए, तो यहां पे तो सवाल कोई सोल्व करना कोई टफ नहीं है। नीचे आने में तो हमें फ्री फॉल के ही इक्वेशन लगाने हैं, और आगे ले जाने के लिए हमें रेंज निकालनी है, तो वो हो जाएगी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इंटू टाइम। चलिए एक और सम देख लेते हैं। मान लीजिए कोई यहां से
हेलीकॉप्टर जा रहा है, मान लीजिए कोई ये हेलीकॉप्टर है, चलिए ये हेलीकॉप्टर जा रहा है यहां से, इसकी स्पीड मान लो 400 मीटर पर सेकंड है, और ये जा रहा है कुछ, मान के चलो ये जा रहा है 500 मीटर हाइट पे। चलिए तो ये 500 मीटर हाइट पे है, और मान लीजिए यहां से इसने कोई फूड पैकेट थ्रो कर दिया। चलिए मान लीजिए कोई बाढ़ आई है और नीचे लोग फंसे हुए हैं, हेलीकॉप्टर में से फूड पैकेट मान लीजिए इसने यहां से थ्रो कर दिया। चलिए फूड पैकेट, अब फूड पैकेट अगर यहां से छोड़ दिया तो ये हेलीकॉप्टर की जो भी वेलोसिटी थी वो फूड पैकेट को तो मिलेगी ही मिलेगी, क्योंकि भाई आप एक फ्रेम में से दूसरी फ्रेम में जा रहे हो, तो पहली फ्रेम की जो भी वेलोसिटी है वो दूसरे को मिलेगी ही मिलेगी, एक्सेलरेशन नहीं मिलेगा भाई, सिर्फ वेलोसिटी मिलेगी। तो ये फूड पैकेट की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हो जाएगी 400, और फूड पैकेट जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो है ही, वर्टिकल भी बढ़ती जाएगी, जैसे ये 400, ये 400, ये 400 तो है ही, लेकिन वर्टिकल वेलोसिटी भी 10, 20, 30 ऐसे बढ़ती जाएगी। तो हाँ भाई ये भी तो प्रोजेक्टाइल ही हो गया, सिर्फ क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग है, लेकिन हाँ पैटर्न तो सेम ही है। चलिए तो अब की बार ये डिस्टेंस हमें दे रखा है कुछ 500, चलिए तो ये नीचे कितने टाइम पहुंचेगा अगर मुझे ये निकालना है, तो हाइट समय सिर्फ हाइट पता है तो काम बन जाएगा यहाँ पे, अगर सिर्फ हाइट ही है तो नीचे पहुंचने में 5t2, तो हाइट हमें दे रखी है 500/5 इक्वल टू t2, तो t यहाँ पे हो जाएगा 10 सेकंड, क्योंकि 500/5 हो जाएगा 100, और 100 का स्क्वायर रूट हमने निकाल लिया तो ये हो जाएगा 10 सेकंड, मतलब ये फूड पैकेट को नीचे पहुंचने में सिर्फ 10 सेकंड लगेगी, और 10 सेकंड तक ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो भी है वो उसे आगे खींचती जाएगी, आगे खींचती जाएगी, तो ये नेट वेलोसिटी कुछ ऐसे मिलेगी। चलिए जैसे ही यहां पहुंचेगी ये फूड पैकेट, जैसे ही यहां पहुंचेगा होगा ये कि इसके पास हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो जैसे थी बिल्कुल वैसे होगी ही होगी 400 मीटर पर सेकंड, लेकिन अब तो इसके पास वर्टिकल वेलोसिटी भी होगी क्योंकि नीचे आने में भी 10 सेकंड लगी है। अगर नीचे आने में 10 सेकंड लगी है तो नीचे वाली वर्टिकल वेलोसिटी हो जाएगी 10t, मतलब ये हो जाएगी 100 मीटर पर सेकंड। तो फूड पैकेट के पास यहां दो दो वेलोसिटी होगी, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों होगी, हॉरिजॉन्टल तो पहले जो भी थी 400 वही होगी, लेकिन वर्टिकल भी अब टाइम के साथ बढ़ती जाएगी, हर सेकंड में 10 10 10 10 बढ़ के ये हो जाएगी 100। निकाल लेते भाई रेंज क्या होगी, अगर रेंज निकालनी है तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितने टाइम तक इसे आगे ले गई हमें ये देखना पड़ेगा। चलिए तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालना है तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इंटू टाइम, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी थी 400 और टाइम लगा कुछ 10, तो ये हो जाएगी 4000 मीटर। चलिए एक और सवाल छोटा सा देख लेते हैं, मान लीजिए ये कोई बिल्डिंग है, चलिए यहां पे एक दूसरी बिल्डिंग है, चलिए ये बिल्डिंग की हाइट हम मान लेते हैं कि ये बिल्डिंग की हाइट हम मान लेते हैं कुछ 100 मीटर। चलिए ये बिल्डिंग की हाइट, ये बिल्डिंग की हाइट हमने मान ली 100 मीटर। चलिए ये बिल्डिंग की हाइट हमने मान ली कुछ 20 मीटर। चलिए 100 मीटर और 20 मीटर हमने मान ली, अब हमें क्या करना है, यहां से कोई बॉल को थ्रो करना है और यहां पहुंचना है ये बिल्डिंग पे। चलिए और ये बिल्डिंग, दोनों बिल्डिंग के बीच की दूरी मान लीजिए 400 मीटर है। चलिए सॉरी दोस्तों, 400 मीटर है, हमें ये देखना है कि हम यहां से कितनी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से इसे थ्रो कर दे ताकि ये 400 मीटर हाइट पे पहुंच जाए। तो थोड़ा अगर आप ध्यान से देखो तो
तो यहां पे आपको पता चलेगा कि भाई हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हमें ट्रैवल करना है 400 मीटर, और अगर आप दोनों दोनों बिल्डिंग के हाइट की डिस्टेंस देखें, डिफरेंट देखें, तो पहली हमारी बिल्डिंग है वो 100 मीटर हाइट की है, और दूसरी बिल्डिंग जो कि 20 मीटर हाइट की है, दोनों के बीच की दूरी है 80 मीटर। तो हमें इसे वर्टिकली कितना डाउन ले जाना है, वर्टिकली डाउन ले जाना है कुछ 80 मीटर। तो वैसे तो हमें हॉरिजॉन्टली थ्रो करना है, तो वर्टिकल वेलोसिटी जो बढ़ा रहा है वो तो ग्रेविटी बढ़ा रहा है, तो वहां पे हम लिख सकते हैं एच इक्वल टू 5t2। चलिए, वैसे तो याद होना चाहिए, हमने दो वीडियो पहले ही बात कर ली थी कि ये वर्टिकल डिस्टेंस आप याद रख लो। तो ये 80/5 इक्वल टू टी स्क्वेयर, तो ये हो जाएगा 16, और टी इक्वल टू हो जाएगा 4 सेकंड, तो ये नीचे आएगा 4 सेकंड में। चलिए, तो हमें टाइम पता है कि ये पक्का 4 सेकंड में तो नीचे पहुंच ही जाएगा, चाहे आप कुछ भी कर लो, ये 4 सेकंड में नीचे पहुंच जाएगा। अगर फिर हमें वेलोसिटी निकालनी है, तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इक्वल टू हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बाय टाइम। चलिए, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी अब की बार हमें दे रखा था 400 मीटर, और टाइम भी हमें मिल गया 4, तो 400/4 मतलब हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमारी 100 मीटर पर सेकंड तो होनी ही चाहिए। तो बड़े ही आराम से आप कर सकते हो, एक दो स्टेप में ही कर सकते हो। हाँ, ये अगर आपको ये याद है, 80 मीटर नीचे आने में इसे 4 सेकंड लगेगी, तो हमें ये तो पता ही है कि 4 सेकंड में ये नीचे आ जाएगा, और 4 सेकंड में हमें 400 मीटर ट्रैवल भी तो कराना है हॉरिजॉन्टली, तो 100 मीटर पर सेकंड इसकी स्पीड हो जाएगी। चलिए दोस्तों, अगले लेक्चर में हम बात करेंगे, अगर किसी हाइट पे से आप अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो कर रहे हो या डाउनवर्ड डायरेक्शन में थ्रो कर रहे हो, चलिए उसकी बात हम अगले वीडियो में करेंगे। थैंक यू।